हाय फ्रेंड्स, मैं साल प्रदीप कुमार चपराना और आज है 29 जनवरी और आज तक की जितनी भी दैनिक समसामयिकी है उसको लेके मैं आपके सामने आया हूं और हम इसकी सारी जो अब तक की करंट अफेयर प्लस स्ट्रेटजी को ध्यान से देखेंगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। काफी मुद्दे हैं, देखते हैं। कायर को जो कायर है ना, ये धरती का सबसे जो मजबूत रेशा है, ये कायर जियो टेक्सटाइल का ये प्राकृतिक पारगम्य जिसमें से जो दर जो गैस या आर पार हो जाए उसको बोलते हैं। ये फैब्रिक है, ये बहुत ही ज्यादा मजबूत है और अत्यधिक टिकाऊ होता है। ये एक तरह से बोरी के टाइप के होता है। इस तरह से ये टूट फूट जो मोड़ जो नमी प्रतिरोधी के लिए और सूक्ष्म जीव के लिए माइक्रो के लिए यूज होता है। इस तरह से इसको लिए लिग्न नामक जो पदार्थ है ना, इसमें कितना होता है 20% होता है और ये मिट्टी को बांधने के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है। ये मिट्टी है ना, जैसे सीमेंट उस पर डाल देते हैं एक तरह से, कोई जैसे नया मकान बनता है या उसके लिए तो उसमें डाल देते मिट्टी जिससे कि तराई बढ़ी रहे उसके लिए इसका उपयोग करते हैं। तटबंधों खानदानों ढलाई स्थिरीकरण के लिए इसका रोकथाम के लिए इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक है, देखते हैं क्या है। ये जो अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, जो सिंथेटिक फॉर्म्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कृत्रिम गर्भ मशीन से में बच्चा से बढ़ेगी दुनिया। अब जो कृत्रिम गर्भ होगा कैसे है, ये सैरोगेसिस थोड़ा डिफरेंट है तो अच्छे से समझते हैं इसको क्या है, क्या है कैसे है। और जो सिंथेटिक्स वॉब्स ठीक है ना, और न्यू नेटल्स ऑफ एफटीआर क्या है, ये एलन मस्क का ने वो करते रहते हैं एक्सपेरिमेंट तो उनका ही है। तो देखते हैं समझते हैं क्या क्या है इस चीज से रिलेटेड है। ये हमारा बेबी है और देखो ये है, हम बात करते हैं अब इस पे। वी शुड बी मस्ट द मोर द वरीड अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ कोलैप्स। कृत्रिम जो गर्भ से जो बड़े जो बढ़ेगी दुनिया की जनसंख्या, क्या है इसका मतलब। कृत्रिम गर्भ से मतलब होता है उसको बोलते हैं सिंथेटिक वॉब्स। जो आजकल है ना सब कुछ जो सिंथेटिक चल रहा है, कृत्रिम चल रहा है भाई। कृत्रिम देख लो, सूर्य बना दिया, फिर कभी चंद्रमा पर, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, इन्वेंशन कर रहे हैं। तो कृत्रिम जो गर्भ की बात आ रही है ना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, वैसे भी ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके द्वारा जो है सैरोगेट नाम बहुत सुना होगा, ये सैरोगेट बच्चे है, सैरोगेट मदर है। इस तरह से अभी रिसेंटली जो प्रियंका निक जोन्स है ना, इसने जो एक सैरोगेसी से एक बच्चा पैदा किया है, वो माँ बन गई है बिना गर्भ धारण किए। बायोलॉजिकल जो बायोलॉजिकल है ना, बहुत बार ऐसे सैरोगेसी की जो चर्चा मैंने बहुत की है बहुत ज्यादा, तो माता जो अपने पेट में गर्भ धारण नहीं करती, इसमें वो किसी किराए के कोख पे पूर्ण स्थापित करती है। अब कैसे करती है वो समझते हैं। माता ने अपना अंडा जो मैच कराया पिता के जो शुक्राणु से, दोनों का अंडा लिया, माता का अंडा लिया है और पिता का शुक्राणु लिया, दोनों को मैच करा लिया तो ये कृत्रिम भ्रूण बन गया, इसका निर्माण हो गया और इसको गर्भ में स्थानित कर दिया किसी और के गर्भ में। जो किराए का लेते हैं ना उसको बोलते हैं सैरोगेसी। अब हमने इसे किराए की जो कोख है इसको सैरोगेसी के माध्यम से सुनी थी, ठीक है ना। अब सोचो किराए की कोख भी ना हो, अब ये किराए की कोख भी नहीं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझेंगे इसको। इस स्थान पे क्या यूज कर रहे हैं, मशीन का यूज कर रहे हैं। तो अब ये मतलब इसका साफ है कि माँ के पेट में जो बच्चा पलता है ना वो इंसानी रूप में का प्रयोग होता है, लेकिन अब जो पैसे वाले हैं कोई भी लोग हैं उसको सुख के लिए बच्चा पैदा करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो माता का जो गर्भ धारण करना, ये इसके लिए करना नहीं चाहती माता। अब माता को लगता है कि नहीं इससे मेरा फिगर बिगड़ जाएगा। आजकल की माता थोड़ी सी ऐसी होती है मॉडर्न टाइप, तो वो जो कोई इससे दिक्कत होगी, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे को इससे, अगर मैं मान लिया प्रेगनेंसी वो करूंगी, तो इस तरह की उनकी सोच होती है। ऐसी स्थिति में है ना, क्यों ना किसी महिले का शरीर ही बिगाड़ दिया जाए, तो बिगाड़ देते मतलब उसको किराए पर ले लेते हैं वो, ठीक है, जिसको बोलते हैं सैरोगेसी मदर। मशीनों के माध्यम से कैसे बच्चे का जो बड़ा किया जाएगा, 9 महीने तक जो पाला जाएगा एक बच्चे के रूप में विकसित किया जाएगा, जबरदस्त टेक्नोलॉजी है। अब ये क्यों चर्चा में क्यों है, आर्टिफिशियल जो सिंथेटिक्स वॉब्स चर्चा में बहुत ज्यादा है क्योंकि जबरदस्त टाइटल है ये। और अपने जो मित्रों को एक बात बताओ ना, साइंस का यहाँ तक जो पहुंच गई है, अपने मित्रों को बताओ, सबको बताओ कि भाई देखो कितने, ये एलन मस्क है, बहुत ही ब्रिलियंट आदमी है, बहुत ही, ये एलन मस्क है ना, ये इस तरह का है जैसे एलियन हो, जो एलियन है ना वो धरती पे आ गया हो, आसमान से बिल्कुल धरती पे आ गया हो, इस तरह की इसकी सारी जो सारे इस तरह के एक्सपेरिमेंट है। यदि एलन मस्क बोले ना तो क्रिप्टोकरेंसी अगर बोल दे तो आसमान पे छू जाए, आसमान में चली जाती,
और जो अगर मना कर दे, जैसे मान लीजिए इसने मना कर दिया कि हम अपनी कंपनी में इसको यूज नहीं करेंगे, तो धड़ाम से नीचे आ गए, तो बहुत इसकी जो मायने बहुत मायने रखता है। तो मानव है ना, इसलिए जो इस मानव को कहना है जो एलन मस्क है, तो कि मेरा जीवन तब सफल माना जाएगा तब मनुष्य मंगल को पहुंच जाएगा, इसकी सोच ही है। अब एलन मस्क वो प्राणी है जो जितनी भी उसने चीज की है ना वो अद्भुत की है सारी। जो देखो ये क्या स्टारलिंक है, ये टेस्ला, स्पेस एक्स और डेसी कॉइन, ये सब कुछ आप इस आदमी की जो आसमान में पाते हो, किसी भी कोई भी एक्सपेरिमेंट देखो सब कुछ है वो आसमान में मिलेगा इसका। अब जो मेरे स्टूडेंट को अगर बोलने के लिए दे दिया जाए तो उस पर बहुत ज्यादा बोलेंगे और निबंध भी अच्छे से लिख लेंगे वो, लेकिन अगर बोलने की बात आ जाए ना तो वो भर भर के बोलेंगे, रुकने वाले तो नहीं ही नहीं, क्योंकि मैं इसको जो वैसे भी डिस्कस करता रहता हूँ अपनी क्लास में या वैसे। तो अब इस प्राणी से पूछा गया कि आप जीवन में सार्थक मानते हैं, अपने जो जीवन को सार्थक कब मानोगे, तुम्हें मंगल पर चले जाओगे तब? तो इस जो यार एक अलग सी फीलिंग आती है मंगल पे जाने वाली बात है, अब मंगल पे जाकर रहेंगे तो सोचो कैसा होगा यदि आप ये सिंथेटिक स्वर्म के माध्यम से बच्चे करने पड़ेंगे इस पे जाने के लिए। अब वो क्या है, इनके ट्विटर से है ना ये सब बातें निकल के आई हैं, वी शुड बी द मच मोर ऑफ द वरीड अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ कोलैप्स। देखो क्या है ये, आपके एक एक ही जो आप में से कोई कोई कलाकार हो गए, अच्छा ठीक है बेटा इसको है ना जो एलन मस्क को एक बार इंडिया बुला लो और इसको है ना लोकल ट्रेन में घुमा दो या फिर किसी छोल में ना दाती पकड़ा दो एक तरह से, अभी जैसे सर्दी का मौसम चल रहा है तो ये सब कुछ भूल जाएगा, सारी टेंशन ही खत्म हो जाएगी, ये उल्टे सीधे काम करता रहता है। अभी ये सोचो, ये हमारी सोच है, अब क्या ये लेकिन बेटे पढ़े लिखे लोग हैं ये, ठीक है ना, जो भी खेलते हैं ना ये डाटा से खेलते हैं, माइंड से खेलते हैं, ये माइंड में डाटा से चलता है, इनका बहुत डिफरेंट चलता है, जितना सोचते हैं ना हम उससे ज्यादा, हर चीज को है ना एक ट्रेंड्स के हिसाब से करते हैं कि भाई क्या ट्रेंड्स है क्या है, ये नहीं कि नहीं पीछे जब कोई चीज है उसके पीछे भागे भागे जा रहे हैं, वो उसका ट्रेंड सी उसकी कुछ भी नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। आप लोग है ना आप जुगात में रहते हैं कि आज की में कि भाई आज है बस आज निकल जाए किसी भी तरफ फिर देखा जाएगा। सिंथेटिक स्वॉर्म्स ऑफ द एलन मस्क रीच द इंटर्नशिप और डिस्कस द पॉपुलेशन कोलैप्स ऑफ द सॉल्यूशंस। देखो ये सब कुछ निकल के आई है, कैसे मैं अच्छे समझाऊंगा कैसे लैम का जो किया है इसने जन्म हुआ है इसमें कैसे कैसे जन्म हुआ है एक उसका फिर बच्चे का भी तो वो सब कुछ समझेंगे अच्छे से एक बाय बाय वन बाय। अभी लेकिन ये है ना ये जो एलन मस्क है इस तरह की ये है ना 100 साल आगे की सोचते हैं कि भाई जब मैं हूं या ना हूं लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है वो अच्छे से रहे वो अच्छे से उसको चलती रहे। अब देखो ऐसी स्थिति में इनकी जो चिंता करना भाई सही है अपनी जगह, तो वी शुड बी द मच ऑफ द वरीड अबाउट द पुलिस को, ये ट्विटर में कमेंट करने वाले है ना करने वाला व्यक्ति है जो कमेंट कर रहा है जो इसमें, इसका नाम है साहिल लहिंगा। साहिल लहिंगा जो है ऑनलाइन का बहुत बड़ा जो स्टार्टअप है एक तरीके से, इन्होंने कहा है वी शुड बी द इन्वेस्टिंग ऑफ द टेक्नोलॉजी दैट मेक्स टू द हैविंग काइंड ऑफ द मच फास्टर इजीएस ऑफ चीफियर मोर द एसेंशियल्स ऑफ द सिंथेटिक स्वॉर्म्स। अच्छा समझते हैं इसको क्या है, आज हमारे जो मंत्री जी भाषण देते हैं ना तो उसमें बोलते हैं हम 125 करोड़ भारतीय इस तरह से, देखो आप देखे होंगे तो भारत की जनसंख्या कितनी है 2048 में है ना 1 अरब 60 करोड़ हो जाएगी, ठीक है इसे ऐसे कह सकते हैं 160 करोड़ एक ही बात है कुछ ये छू लेगी लौट जाएगी एक तरह से, मान लिया पीक पे जाएगी जैसे सपोज करो अभी यहाँ है तो एक पीक पे गए फिर ये नीचे आ जाएगी इस तरह से नीचे आएगी। अब देखो बहुत ही बड़ी सोचने वाली बात है अपने आप में, तो जितने टॉप डॉक्टर्स है ना उसका जर्नल प्रकाशित होता है उसको बोलते हैं लैंसेट के माध्यम से, जो लास्ट है ना 2021 में ये जानकारी दी गई थी क्या है गवर्नमेंट जनसंख्या पर कानून लाने जो ला रही है कि भाई ऐसा कर रही है कि जनसंख्या कम होगी, हो सकता है ये सोच रहे हूँ लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है ना, लोग अभी खुद ये बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे क्यों नहीं या कर नहीं रहे क्यों उसका कार्य है क्यों नहीं कर रहे, अब हम बात बोलेंगे हमारे तो अलग ही निकल के आएगी अलग ही सोच है कि हमारे जो जेंडर डिफरेंस होता है ना भाई शादी तो हो नहीं रही तो लोड़ की तो बात ही अलग है बच्चे की। अब देखो वो सब इशू इसलिए है क्योंकि आप है ना शिक्षा का महत्व को जो नहीं समझते ही नहीं, सरकार जो क्यों इतना शिक्षा पर जो फोकस करती है क्यों इतना खर्च करती है सब कुछ है, यदि आप इस बात को समझे ना और जेंडर इक्वलिटी को कुछ भी होता है कि भाई जेंडर इक्वलिटी कुछ एक चीज होती है तो क्या होती है उसको समझा तो बहुत ही ज्यादा है, तो जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार होगा तो जेंडर इक्वलिटी पे जो पर्सन इकट्ठा होने स्टार्ट हो जाएंगे जेंडर इक्वलिटी, और जेंडर इक्वलिटी आएगी इसके बाद एक पर्सन आएगा जेंडर इक्वलिटी के बाद आ जाता है विजेश इक्वलिटी। अब ये क्या होता है बुद्धिजीवी बात जो इनकी बात चल रही है बुद्धिजीवी जो है इनकी जो आपस में जो कमेंटबाजी ट्विटर पे, तो बच्चों के जो एक प्रोडक्ट समझ के बात कर रहे हैं, जनसंख्या कम है तो उसे बढ़ाएंगे उसे कैसे बढ़ाएंगे इनकी चिंता जो करने वाली बात है, और जनसंख्या यहाँ पे इनकी जो अलग ही है क्योंकि ये हमारे वाली नहीं है कि जनसंख्या कंट्रोल नहीं हो रही हमारी जो अलग है, तो लेकिन इनका कुछ कहने वाला क्योंकि इनकी जनसंख्या वो नहीं है ये पढ़े लिखे हैं, वो पढ़े लिखे वो भी है
जो जो हमारी कैटेगरी से जो इन कैटेगरी में काउंट नहीं होते भाई, ठीक है ना। इंडियन है, इंडियन प्रयोग के लिए जाएंगे, यूज करेंगे, हमारे पे प्रयोग करेंगे, बात करता हूँ। अब ये है ना, उस जनसंख्या की बात कर रहे हैं जो आप कहने में लगेंगे कि बोलेंगे कि भाई मेरा परिवार है। अभी हाँ दीदी आपसे कहने लगे भाई ठीक है तुम जनसंख्या में हो, ठीक है अब देखते हैं तुम्हें, तो मेरा परिवार है, हाँ भाई यहाँ है मेरे दोस्त, यहाँ है ठीक है तुम चले जाओ, तो यार वहां तो ठेका भी नहीं है, अगर मैं मेरे को भेज दिया सबसे बड़ी बात तो ये निकल के आएगी, बहुत सारी चीजें। अब अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं सब चीज के। अब यहाँ पे जाकर करेंगे मैं क्या, मेरा मन नहीं लगेगा, मेरी सपोज करो गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरी वाइफ नहीं है, मेरे मतलब जो भी है मतलब फ्रेंड्स नहीं है, जैसे जिसकी बात बनती है वो। आपको थोड़ा सा पढ़ा लिखा होना चाहिए इसके लिए, थोड़ा सा पढ़ा लिखोगे ना तो समझोगे क्या है। आपको लगे मंगल पर क्यों जाना चाहिए, मंगल पर क्यों जाना चाहिए सबसे बड़ी, चंद्रमा की यात्रा पर क्यों जाना चाहिए। ये लोग उस समय की चिंता कर रहे हैं जब आने वाले समय में है ना इंडिया जो वर्ल्ड में पॉपुलेशन कम हो जाएगी, आने वाले समय में पॉपुलेशन कम होगी, मैंने बता दिया कैसे कैसे होगी। तो वीजिस का मतलब क्या हुआ, वीजिस का मतलब जो 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 मेहताना होता है ना, मतलब सैलरी होती है जो बराबर मिलनी चाहिए, जो मेहनत करते हैं उसकी तनख्वाह जो है एक तरह से वो बराबर होनी चाहिए, उसको बोलते हैं। अब जो वोक्स है ना, वोक्स न्यूज़पेपर की एक जो डेनमार्क का कम जो है न्यूज़पेपर है, उसने जेंडर इक्विलिटी के ऊपर है ना बहुत सारा अपना डाटा प्रकाशित किया, उसी की बात है। ये सब फैक्ट बातें हैं, ऐसे नहीं है कि भाई अपनी हवाईबाजी में अपने मन से चल रहा है, जो चल रहा है ये बोलने से होता है कुछ भी। तो जेंडर इक्विलिटी है, ये बच्चियां और बच्चे इक्वल हो जाए, लड़के लड़कियां इक्वल हो जाए। अब लड़के लड़के के साथ जो काम करना स्टार्ट करते हैं, करना स्टार्ट किया, तनख्वाह बराबर होती है। और जैसे लड़कियों का ना बच्चा प्लान करती है ना लड़की, तो उसमें ना तनख्वाह जो धड़ाम से उसके नीचे आ जाती है फीमेल की, आप देखना इस तरह से। देखो भैया ये बेबी है, ये सब कुछ इस तरह से हो रहा है, कैसे कैसे वर्क करेगा इसको समझाऊंगा मैं आगे से अच्छे से। और इसी में बनेगा, इस मशीन में ही बच्चा जो हमारा जनरेट होगा, सारा काम इसी में होगा, इस तरह से होगा ये। जैसे माँ का पेट होता है ना, तो इसको इसमें ध्यान रखना, अभी समझाऊंगा आगे। ऐसा क्यों होता है, यदि आप इस तरह को कहते हो कि महिला का सम्मान करते हैं, हम महिला का सम्मान करते हैं, उन्हें मातृत्व तो अवकाश देते हैं जो। अब परंतु ये पितृ जो सत्तात्मक है ना समाज है, पितृ सत्तात्मक का समझे मतलब जो कोई भी जो जितने भी डिसीजन होते हैं वो मेल के होते हैं, ज्यादातर देखा होगा आपने। संतान भी चाहता है, बस संतान भी चाहेगा कि मेरे को बच्चा भी चाहिए, लेकिन महिलाओं को है ना अवकाश देने वाली बात होती है ना, तो देता नहीं, क्योंकि दूसरे के पास दूसरे की बिली होती है वो चीजें सब जो ये रहते हैं ना मोरल सी ये बातें होती हैं, ये जब पर्सनली आती है तो सभी अलग रख देता आदमी। हमारे तो जो है ना डीएसपी जो नीति निर्देशक तत्व में भी लिखा हुआ है कि महिलाओं को एक जो 24 सप्ताह का जो अवकाश देते हैं ना उसको बोलते हैं मातृत्व अवकाश कहते हैं। अब मातृत्व अवकाश के लिए सरकार तो इसे झेल लेती है, झेलना चाहती है भाई, ठीक है भाई उसने बना दिए हैं रूल्स बना दिए तो फॉलो। परंतु जितनी प्राइवेट फर्म्स है ना, कंपनी है जो मान लीजिए विदेश की है या यहाँ की है, तो उसमें है ना 9 महीने का जो पैसा देना पड़ेगा यार मेरे को, तो इस तरह की उनकी होती है, और जो उनके लिए देती भी है तो बहुत महंगा पड़ता है। तो इसके लिए अब देखो ऐसी स्थिति में ना सैलरी में से एक उनकी सैलरी में डिप दिखता है, डिप मतलब जैसे ही नीचे मतलब थोड़ी कम कर देते हैं जैसे जैसे। तो चाहे जैसे महिला है कितनी भी काबिल क्यों ना हो और कितना भी महत्वपूर्ण क्यों, कितनी भी उसकी इंपोर्टेंस क्यों ना हो, ये होता ही है, ये फैक्टर्स है। ये बच्चा होगा तो काम कैसे करेगी, ध्यान कैसे रखेगी, जो उस तरह की बातें उस तरह की बातें होते हैं। अब ऐसी जो कंडीशन में है ना जो महिला लिख कर पड़ जाती है, और वो पैसा है ना पैसा कमाना कमाती है, ठीक है समानता की बात आती है, तो समानता के नाम पे है ना सेम पोजीशन के साथ जब काम करती है तो वो सोचती है कि मैं जो सेम सैलरी जो कम सैलरी पे काम क्यों करूं। तो ऐसी स्थिति में जब उसको बताती है थोड़ा सा ये भी होते हैं कि नहीं तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखा आजकल जैसे। और जब महिला को कम पैकेज पे काम करने के लिए मजबूर होती है ना, तो उससे पहले महिला जो बच्चा प्लान करने के लिए स्किप कर देती है, देख लेना ये बहुत ही बात है भाई, फैक्ट बात है। आसपास आपने देखा होगा इस तरह से मेरे भाई, दिल्ली मुंबई और जो मेट्रो सिटी जितनी भी है उसमें दंपत्ति देख लेना आसपास अपना जो प्लान करते हैं वो प्लान ही नहीं कर रहे, या तो एक बच्चा है जो ठीक है यार हम इसको पाल लें, ये बहुत बड़ी बात है इसी की केयर कर लें, ये इसी का नहीं होगी लिखाई पढ़ाई हमारी और भी चीजें, इसने नाक में दम कर रखा है, ठीक है। अब जो क्योंकि है ना प्लान करते वक्त ना महिला जो पिछड़ जाएगी, अब प्लान करते पिछड़ जाएगी भी सीधी सी बात है, देखा होगा जब, तो महिला जो पिछड़ बच्चे को इस स्थिति में जन्म देने से बच रही है कि भाई मैं जो क्योंकि मैं तो मेरे को पैसे कमाने हैं, ठीक है ना, तो ये सोचती है। इस कंडीशन में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है ना FTR जो कम हो रही है, FTR जैसे अभी चलते हैं कि भाई जैसे बहुत जिसको पता नहीं होता कि नहीं जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है कानून लाओ ये लाओ वो लाओ, ये
जो डाटा है ना, और भी डाटा है जिसको नहीं पता, गूगल कर ले, और गूगल करने के बाद नीति आयोग है उनके भी डाटा है, हमारी जनसंख्या कम हो रही है और आने वाले जो समय में बहुत ही सोचने वाली स्थिति हो जाएगी। जैसे चाइना की देख लो, उसने फिर पहले लाया था जो टू चाइल्ड पॉलिसी, पहले वन चाइल्ड लाया, फिर टू चाइल्ड अप्लाई कर रहा है, अब जो वो प्रमोट कर रहा है जो बच्चे पैदा करने के लिए, और भी पैसे दे रहा है इस तरह की, और भी ज्यादा फैसिलिटी कर रहा है, और उसने कंपलसरी कर दिया। तो ये सोचने आगे की सोचो, ऐसे नहीं है कि ठीक है किसी चीज को वैसे पकड़ लिया उसके पीछे भी आ रहे हैं, तो लॉजिकली सोचो क्या है इसका, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ है बात, ये नहीं किसी कहने से वैसी। तो यूनाइटेड नेशन का मानना है कि इस दुनिया में है ना जितनी भी पॉपुलेशन है ना, उसको बरकरार रखने के लिए ना हर महिला को कम से कम 2.1 बच्चों को जन्म देना होता है, ठीक है, देना होगा। अगर टू अब ये कम हो जाएंगे तो ये बैलेंस जो कम हो जाएगा। अब बैलेंस करने के लिए इसको, यदि वो इसको बैलेंस नहीं कर पाती, बच्चों को जन्म नहीं दे पाती, तो इसको उसमें भाई कमी है, कुछ ना कुछ होती है। जैसे मान लिया तो एक बच्चा हो, या उसको अब प्रीफर एक कर रहे हैं, अब ये 2.1 चाहिए हमें फर्टिलिटी रेट, तो उसके लिए फिर प्रॉब्लम तो आएगी, तो जनसंख्या तो कम होगी होगी। तो इस कंडीशन में एफटीएफ जो टीएफआर है ना, टोटल फर्टिलिटी रेट है जो नीचे आना जायज है, आएगा ही आएगा। अभी चिंता की बात है, जैसे बहुत सारे स्टेट में आ भी चुका है हमारे, जैसे बात चल रहे हैं, तो उस टाइम के जो अनुसार है हमारी फर्टिलिटी जो कम हो रही, वो जो कम है, तो सोचने वाली कंडीशन है। और जो जितनी जनसंख्या हो रही, जैसे चीन है, चीन बूढ़ा देश हो रहा है, बूढ़ा है, तो ऐसी भी इंडिया भी, जैसे बोलते हैं कि जवानों का देश है भारत जो, तो जो कम फिर बूढ़ा हो जाएगा, तो ये सोचने वाली बात है, आगे की सोचनी चाहिए। खैर इसको तो जो मंगल पर जाकर कैसे कौन रहेगा, ठीक है, ये चिंता का उसे ही होगी भाई, जिसने जिस पे जो इन्वेस्ट किया होगा। कोई सी बात है, सपोज करो मैं हूँ, मैं कुछ काम करता हूँ, तो मुझे तो चिंता होगी नहीं, क्योंकि मैं ये सपोज करो ये घर बना रहा हूँ, तो भाई इस पर कैसे होगा, मान लिया तो उसकी जो आने वाली प्लानिंग है सब कुछ है, तो वो मेरे ऊपर तो डिपेंड होगी, तो मैं ही तो सोचूंगा। तो मंगल पर जाने का जो पैसा खर्च जो कर चुका है, तो खर्च किसने किया पूरा, जो लगा दिया अपना जान लगा दिया, एलन मस्क ने, तो दैट इज द एलन मस्क। तो एलन मस्क इज द अच्छा, इसने जो एक चीज विकसित करनी होगी, इसके लिए क्या करनी होगी, जो जनसंख्या है ना कुल जो यदि कम हो जाएगी, तो इसको ये कह रहा है कि मेरे को बढ़ानी है, तो इसके लिए समय जो इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल सिंथेटिक फॉर्म्स के माध्यम से बढ़ेगी। हम आने वाली पीढ़ी में इसको रिप्लेस करने की स्थिति में तो रहेंगे भाई, ठीक है, क्योंकि भाई जनसंख्या कम हो रही है, तो मान लिया आर्टिफिशियली बढ़ाई, तो भाई जो मान लिया उतने तो इक्वल तो रखा कम से कम, जितनी गर्ल्स हैं, जितने मान लिया मेल है उतनी फीमेल है, तो एक फर्टिलिटी रेट जो है 2.1 है जो आइडियल माना है जो यूनाइटेड नेशन, तो उसको तो रखने के लिए बोलते हैं, ये सही है। वोमेन हैव द फीवर्स ऑफ द चिल्ड्रंस, जेट है इसकी न्यूज है। हाउ द पॉपुलेशन ऑफ द selected of the countries might the change 2017 to 21 जी, जो चाइना कैसे जो कम हुई है, चाइना में देख सकते हो बहुत कम हुई है, इंडिया में भी कम हो रही है, ठीक है ना। और नाइजीरिया ये दिखता नहीं है, जो हमें देख लगता है कि जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन फर्टिलिटी रेट घट रही है, तो आने वाले समय में बहुत कम हो जाएगी, यही सोचने वाली बात है, मुद्दा है बहुत बड़ा। और नाइजीरिया जो है एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे 2100 तक जनसंख्या बढ़ेगी और उसके बाद ये घटेगी, और बाकी सब में जो कंट्री है उसमें जो घटनी है। अब जो सिंथेटिक जो वॉर्म्स क्या है, क्या एक महिला के शरीर पे जो कृत्रिम जो लगाना जो गर्भ लगाना संभव है भाई, उसमें लगाने के लिए महिला की बॉडी पे लगाने के लिए जरूरत है ही नहीं है, ठीक है ना, मशीन को, पहली बात तो मशीन में बच्चा पलेगा, इसे चर्चा के जो करने के बाद है ना, मेरे को महाभारत का ग्रंथ याद आ जाता है, और उसमें जैसे विरासत है ना, बट किसी को होना हो लेकिन मुझे अपनी जो इंसिडेंटल्स हैं और जो जितने भी ये हैं, तो इस पे जो विरासत है उस पे सब पे पूर्ण विश्वास और पूर्ण आस्था भी है, ठीक है ना, तो मेरे को है, क्योंकि ये हमारा जो साहित्य है ना बहुत ग्रेट और बहुत ही रिच है, बहुत ही यदि से सही से स्टडी किया जाए तो सही वहीं से निकल जाती है सही सारी चीजें, ठीक है। इसमें गंधारी का जो वर्णन किया गया है ना, तो इसने जो 100 कौरवों को जन्म दिया, पैदा किए भाई, तो वो जो किए गए थे ना, वो सिंथेटिक फॉर्म्स के माध्यम से किए गए थे, वही है वो, ठीक है। अगर इसको भी देख सकते हैं 2019 में पहले कुछ वैज्ञानिकों ने एक जो लैम्प बनाया था इससे सिंथेटिक फॉर्म्स से, अब जो लैम्प्स को जो सिंथेटिक फॉर्म्स को पैदा करने का करके भी दिखाया, आज ये कल्पना एक कल्पना नहीं है, करके दिखा दिया उन्होंने सब कुछ कर दिया, इंसानी बच्चे को भी इसी रूप से मान कराया जाएगा, इसी जैसे जिसको लैम्प को कराया इसको मैम ने कराया। 2019 में नीदरलैंड में एक जो मॉडल लाया गया है जो ये
न्यू नेटल्स बच्चे होते हैं ना, न्यू नेटल्स का मतलब होता है जो 37 वीक से पहले हो जाते हैं, जो नौ महीने से पहले जो बच्चा होता है प्री मेच्योर एक तरह से, उसको कंडीशन उसको बोलते हैं न्यू नेटल्स जो बच्चा। तो बच्चे को है ना डेवलप करने के लिए जो आर्टिसल्स वर्ब्स का बहुत बड़ा कारगर होगा भाई, वो जो पहले हो जाते हैं तो उनके उनको बचाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा बहुत ही कम बचते हैं वैसे भी। तो लैम्प को जो इस तरह से पैदा कर लिया गया है, सिंथेटिक फॉर्म्स है, देखो ये लैम्प्स है, इसको टेम्परेरी ऑक्सीजन दी गई है, ये लैम्प्स है, और जो जो ऑक्सीजन जनरेटर के माध्यम से इसको जो इसका हाइट का काम कर रहा है जो, और ये टाइम का बहुत जो इस जो है ना आने वाला टाइम है जो साइंस का बहुत ही बड़ा है। और देखो इस तरह से ये है हमारा जो मेमना है जो ये इस तरह से लैम्प, देखो ये देख सकते हो साइंस की कितनी बड़ी साइंस कहाँ पहुँच गई है ये है। और देखो जो हाउ टू द आर्टिफिशियल फॉर्म द वर्क्स, कैसे कैसे काम करेगा, जो बायोबैग है ये तुम्हारा लैम्प है, ये हमारा फ्लड से जो ब्लड्स है इस तरह से दिया जाएगा इसको, और ये जो ऑटोमेटिक फ्लड्स है यहाँ पे ये लगाया, और जो हीट प्लेट जो है इस तरह से, ये जो गैस जो ब्लेंडर है ये ऑक्सीलेटर दिया है इसको, हाइट इसका इससे काम कर रहा है, सोचने वाली बात है, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन इसको दी गई है, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दिए है, और देखो फिर समझ सकते हो इसको, ये देखो इस तरह से यहाँ से CO2 जो है ये जो आउट होगी दोनों साइड से, जैसे जैसे हार्ट का जो आर्टिफिशियल लगाया गया है इसमें, जो सब कुछ करा गया है इसमें। अब जो सिग्निफिकेंस ऑफ द आर्टिफिशियल फॉर्म्स, द डेवलपमेंट एंड द आर्टिफिशियल फॉर्म्स एंड द चाइल्ड हेल्प टू द सेविंग्स टू द प्री मेच्योर बेबी, प्री मेच्योर बेबी जितने भी है ना उनके लिए बहुत बड़ा तरह से वरदान होगा, बोम्स होगा एक तरह आर्टिफिशियल फॉर्म्स। देखो ये है ऑटोमेटिक्स, ठीक है ना, सिंथेटिक वॉर्म्स ऑफ द अन, ये कोड है ये यहाँ पे रिमोट जो सेंसिंग ये मॉनिटर करेगा एक तरह से यहाँ पे सेंसिंग इसको, वही देखो ये है ना एक मोटे तौर पे समझाऊं तो एक बॉल की टाइप है ना, इसी में बच्चा ये एक तरह से मशीन है, इसी में जो बच्चा जो है ग्रो करेगा, ठीक है। यदि ऐसा हुआ ना ये तो पॉपुलेशन है ना मंगल तक पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन जो न्यूनेटल्स बच्चे हैं ना जो प्रीमैच्योर्स होते हैं उनके लिए बहुत बड़ा वरदान होगा ये। तो भाई आशा करता हूँ समझ में आया होगा, और आगे जो आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। नेक्स्ट है हमारा स्पाइस एक्सचेंज इंडिया, ये एक मसाला का मतलब है, स्पाइस का मतलब होता है मसाला, और पोर्टल है ये भारतीय मसाला बोर्ड के द्वारा लॉन्च किया गया, इसकी स्थापना 1986 में की गई थी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन है, इसके मंत्री जो कौन है पीयूष गोयल है, कारण है भारत और मसालों को सबसे बड़ा निर्यातक है, सबसे बड़ा। अब इस पोर्टल पे है ना सीधे खरीदने और बेचने के लिए दोनों मीटिंग कर सकेंगे, और जो जिसको खरीदना है वो भी और ये भी। अच्छा ये बीच में आ गया है, ये हमारा इंटरनेशनल जो कस्टम डे होता है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है ये भी। नेक्स्ट है हमारा जो ये निर्यातक होगा जिसको बेचना है और ये खरीदार होगा, तो दोनों की जो मीटिंग फिक्स करा दी जाएगी, एक्सचेंज पोर्टल है इसके इस पे जो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान CAZRI जो ये जोधपुर में है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा में है मसालों का सबसे, और जो हाँ और जो इसमें मनीला फिलीपींस में जो इंटरनेशनल है ये नेशनल है, और जो मसालों का सबसे बड़ा निर्यातक जो उपभोक्ता वो ये है ये इंडिया है। भारत में स्पाइस बाउल्स के नाम से जो जानते हैं भारत को जो एक पहचान है, क्योंकि भैया तरह से उसका मसालों कटोरा बोलते हैं इसको भारत को, भारत क्योंकि मसाले तो लेने आए थे जितने भी आए थे ये जो वास्को डी गामा वगैरह कोई ये खोज करने थोड़ी ना आए थे, ये सब कुछ ये कोई ये मसाले लेने आए थे यहाँ पे। हाल ही में कोयले की मुख्य प्रदर्शित सूचकांक के लिए कोयला दर्पण जो पोर्टल लॉन्च किया गया है, भारत में मसालों के लिए फेमस केरल है, केरल जो स्टेट है, सुपेस पोर्टल जो है सुप्रीम कोर्ट का है, कारडेम जो झील है ये इलायची की पहाड़ियां केरल में है, और जो GI टैग्स जो केसर का जम्मू कश्मीर के पास है, लौंग का कन्याकुमारी के पास है, केरल की जो मृदाको में क्या होता है मोनोजाइट एक्स होता है उसको क्या बोलते हैं, इसमें क्या मिलता है थोरियम मिलता है ये हमारा, और PMC पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का विलय जो यूनाइटेड स्माइल फाइनेंस बैंक में कर दिया गया है, कारण क्या है कुछ साल पहले PMC जो वित्तीय जो गड़बड़ी हुई थी उस गड़बड़ी को देखते हुए RBI ने ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको इसमें विलय कर दिया स्मॉल फाइनेंस बैंक में, जिसमें जो स्मॉल फाइनेंस का मतलब जिसमें निकाल सकते हैं छोटे बैंक्स होते हैं एक तरह से, भारत का सबसे बड़ी वित्तीय समायोजन की जो जो
योजना है वो जनधन योजना है। 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट हुई थी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो 1969 को हुआ। फिर 1980 में फिर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण उसके बाद फिर हुआ। और जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम एसबीआई 1955 में हुआ। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 3 बैंकों का विलय करने के बाद बना है। इन बैंकों में बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे तीनों मिलके जो कलकत्ता, मुंबई और मद्रास तीनों मिलके क्या बन गया हमारा इंपीरियल बैंक। और इंपीरियल बैंक फिर 1955 में बन गया एसबीआई। 1921 में इंपीरियल बैंक बना था, 1955 में इसी का नाम एसबीआई हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन जरूर। दिल्ली जेल, दिल्ली जेल में पहला एटीएम लगाने वाला जो बैंक है वो एसबीआई है। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन है दिनेश खारा है इसके चेयरमैन। भारत और मध्य एशिया का शिखर सम्मेलन फर्स्ट टाइम का आयोजन हुआ है। संबंधों को जो ये कौन सी 30 वर्षगांठ है जो अध्यक्षता पीएम नरेंद्र मोदी जी ने की है। कारण क्या है, 26 जनवरी 2022 को जो चीफ गेस्ट की जो में आने वाले थे परंतु कोविड 19 के चलते ना इसलिए जो है हमारी पोस्टपोन कर दी गई, अब ये वर्चुअल हुई है। इसमें 5 देश जो है कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमिस्तान जो है ये आने वाले थे। वो जो फोकस है अफगानिस्तान की सहयोग शक्ति जो शांति स्थापित करना उस पर फोकस था। और जो रास्ता देगा जो अफगानिस्तान हमें रास्ता देगा मध्य एशिया में जाने के लिए, भारत इंडिया जो ईरान जाएगा, ईरान से जो 4000 बंदर का बना हुआ है इसमें यहाँ से जाते हुए अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से मध्य एशिया ऐसे जाएगा। जिसका सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध यानी कि लैंड लॉक्ड कंट्री कजाकिस्तान है। यूरेनियम के भंडार मिलते हैं और इसकी राजधानी नूर सुल्तान है। ताशकंद जो उज्बेकिस्तान की राजधानी है यही पे हुआ था ये ताशकंद समझौता, जिसमें हमारे जो प्रधानमंत्री जो थे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी वो एक्सपायर कर गए थे। तो ताशकंद समझौता ही करने गए थे 1965 में जो भारत पाक युद्ध हुआ था, ताशकंद समझौता के लिए गए थे लाल बहादुर शास्त्री जी। कजाकिस्तान के नए पीएम जो इस्माइल लोव हैं और जो ईंधन की कीमत जो राइज करने से है ना वहाँ पे आपातकाल की घोषणा की गई और वहाँ के पीएम ने फिर क्या किया, इस्तीफा देना पड़ा उसको। नेक्स्ट है हमारे एक्साइज है कुछ इंपोर्टेंट है। 10 लेक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होती है। खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच में होती है। कांजिन भारत और कजाकिस्तान के बीच में होती है। अरल सागर जो है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के दोनों के बीच में है। नेक्स्ट है हमारा पश्चिम लहर एक्सपीएल 2022। ये है एक तरह की एक्साइज है, नौसैनिक युद्ध अभ्यास है जो पश्चिमी घाट में हुई हो रहा है। भारतीय नौसेना इसकी कर रही है। उद्देश्य है भारतीय समुद्री ताकत का प्रदर्शन करना। तव काते जो म्यांमार ने इसको नाम दिया था जो आया था अभी जो कोविड-19 की जो सेकेंड वेव थी उस टाइम पे आया था। ये ऑपरेशन सरधवा बीएसएफ जो सीमा सुरक्षा बल द्वारा कभी किया जाता है जो कोहरे में ठंड पड़ती है ना तो उसके लिए जो ये आतंकवादी घुसपैठी जो आ जाते हैं तो उसके लिए चलाते हैं ऑपरेशन सरधवा। ऐसी गर्मी होती है तो लू में भी तो उसमें भी चलाते हैं हम, ठीक है, उद्देश्य घुसपैठ को रोकना, बीएसएफ चलाती है इसको। अलमगाह जो ये एक्सरसाइज है भारत और ओमान के बीच में है। संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच में है। जो एक्वेरियम भारत और मालदीव के बीच में है। जो नेक्स्ट है हमारा प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस इंटरनेशनल कस्टम डे 26 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व सीमा शुल्क संगठन WHO वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय ब्रुसेल्स जो बेल्जियम में है इसी कैपिटल। उद्देश्य सीमा शुल्क को जो डिजिटल में परिवर्तन करना, भाई जो हमें अब तो सब कुछ डिजिटल ही हो रहा है। तो अभी जो रिपोर्ट आई थी उसमें 40% है सितंबर से जो बढ़ा ही, अभी जो जितना भी हमारा जो 40% कराई जो आया जो डिजिटल में सब में तो अच्छा इसको थीम है जिसको डिजिटल को बढ़ावा देना। इसमें वस्तु और सेवा कर संवर्ती सूची का जो प्रत्यक्ष कर है ये 101वां संविधान संशोधन हुआ था 1 जुलाई 1917 को हुआ था। ये 1 जुलाई को मनाया जाता है जीएसटी डे। वीर बाल दिवस ये गुरु गोविंद सिंह जिनकी जो उनके त्याग के लिए बनाना स्टार्ट हुआ ये फर्स्ट टाइम जो इसकी घोषणा की है नरेंद्र मोदी जी ने 26 दिसंबर को मनाया जाता है। और 25 दिसंबर को होता है हमारा सुशासन डे, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो बर्थडे होता है उस पे उसके अगले दिन जस्ट अगले मनाया जाता है। और 23 का होता है हमारा जो हमारे किसान दिवस होता है, चौधरी चरण सिंह जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे उनकी याद में मनाया जाता है। स्टार्टअप डे 16 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी वाड़ा का मुख्यालय मोंटे प्रोटोकॉल कनाडा में है। यहाँ पर मोंटे प्रोटोकॉल हुआ था जो 16 सितंबर 1987 को ओजोन से रेल के लिए क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था।
और जो ये हमारा मिलीना जो सालवी का निधन हो गया, मिलीना सालवी जो का निधन हुआ है, ये कथक की कली की संबंधित थे। इनको 2019 में इनको क्या इनको मिला था हमारा पद्मश्री मिला, सम्मान मिला था। और ये जो इनका जन्म इटली में हुआ, इन्होंने सिटीजनशिप ली हुई थी, फ्रांस की नागरिकता ली हुई थी यहाँ की। और कथक कली की जो फेमस ये नृत्यांगना डांसर थी, केरल का क्लासिकल डांस है ये जो हमारा ये कथक कली है। इम्पोर्टेंस बात ये है, इसमें जो कथक कली में बहुओं का संचालन होता है और हरे रंग को अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। पंडित बिरजू, नेक्स्ट हमारा पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया, ये भी है, इनका जन्म लखनऊ में हुआ था, ये कथक के बहुत बड़े डांसर थे। नेक्स्ट है हमारा ग्राफिन, ग्रेफाइट का जो है रूप है बहुत ही मजबूत होता है। भारतीय ग्राफिन नवाचार केंद्र केरल में स्थापित हुआ। 2011 की जनसंख्या के अनुसार सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात सर्वाधिक हमारा केरल में है और न्यूनतम हमारा जो हरियाणा में है, मतलब 1000 पे जो काउंट होते हैं ना, जितने जो मेल पे फीमेल होती है उसको उसको बोलते हैं सक्सेस रेशियो। भारत में 8 जो क्लासिकल डांस है, 8 ही जो हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस है। मूल संविधान में 14 लैंग्वेजेस है और जो वर्तमान में संविधान में 22 भाषाएं हैं, अनुसूची 8 है। साहित्य जो अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिए जाते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार 23 भाषाओं में दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा 26 जनवरी 2022 को पद्म भूषण पुरस्कार 2022 को देने को लेने से है ना, जो बुद्ध भट्टाचार्य जी ने मना कर दिया, ये पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। इनकार करने का कारण है कि भाई नो इन्फॉर्मेशन। और जो जो संत चटर्जी हैं, ये भी वहीं से पद्मश्री को इनको अवार्ड दिया जाना था। ये गाय ये बहुत बढ़िया सिंगर है अच्छी, तो इन्होंने भी कर दिया, इनको भी नो इन्फॉर्मेशन का हुआ है, तो पश्चिम जो बंगाल से लेट करती हैं ये भी। पद्म विभूषण 4 को मिला है, तो 4 में कौन कौन से हैं, जनरल बिपिन रावत जो अभी जो एक्सपायर कर रहे थे जो एरोप्लेन क्लास में, तो सिविल जो सर्विसेज के लिए यूके उत्तराखंड से रिलेट करते थे। और जो कल्याण सिंह लोक कल्याण के लिए दिया गया, इनको इनको ये भी अभी एक्सपायर करके, तो यूपी के सीएम रह चुके और राजस्थान के गवर्नर रह चुके थे। और प्रभा अन्य ये कला महाराष्ट्र से हैं, राधेश्याम खेम का यूपी से हैं साहित्य और शिक्षा के लिए। नेक्स्ट हमारा देवेंद्र झांझड़िया, ये हमारा दिव्यांग खिलाड़ी है, पैरा ओलंपिक एथलीट है, जो भाला फेंकते हैं, राजस्थान के रहने वाले, पद्म विभूषण से सम्मानित है। नीरज चोपड़ा पद्म विभूषण खेल जो भाला फेंक के लिए, इन्होंने 87.58 मीटर जो भाला फेंका था, जो 7 दिसंबर जो 7 अगस्त को मनाया जाता भाला फेंक दिवस। और जो हमारा 12 जनवरी को जो राष्ट्रीय युवा दिवस और 12 अगस्त को 5 दिन बाद मनाया जाता है इसमें राष्ट्रीय युवा दिवस इंटरनेशनल जो, और इस दिन होता है। और हाथी दिवस भी इस दिन होता है, एलिफेंट डे। सोनू निगम पद्मश्री दिया गया। भारत और इजराइल के मध्य राष्ट्रीय राजनयिक संबंध का मतलब होता है एम्बेसडर को भेजना, एम्बेसडर भेजते हैं, इसकी शुरुआत 1992 में हुई। जो 30वीं वर्षगांठ है इसकी भारत और इजराइल के बीच में जो रिलेशन की, स्मारक लोगों का लॉन्च किया है, इजराइल के लिए नेशनल फ्लैग है इसमें। और जो इसमें 4 कलर जो कलर्स है ना, वो ब्लू है, डेविड का जो स्टार है, इंडिया के फ्लैग का अशोक चक्र दिखाएगा इसमें। देखो ये है, ये डेविड फ्लैग इनका, ये 30 बना हुआ इसमें, और ये अशोक चक्र है ये इसका, मतलब 30 वर्ष पूरे हुए, स्मारक लोगों डेविड का सितारा हो गया, अशोक चक्र हो गया और 30 अंक हो गया है 20 वर्ष ओन पर। स्मारक जो इसराइल अच्छा है, ये सपोर्ट भी करता, सोचते हो गया आपकी भाई ये पता नहीं क्यों नहीं, जो क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ी वो है, किसने भी जो बहुत जो सॉफ्टवेयर भी बनाया था और बहुत सारे हरियन ड्रोन्स भी दिए हैं वैसे भी बहुत ज़्यादा। तो इसराइल के जो लोकतंत्र की जो सपोर्ट चाहिए इसे, लोकतंत्र देश को सपोर्ट करने का मतलब लोकतंत्र जो इंडिया में डेमोक्रेसी सबसे ज़्यादा इंडिया में ही। जो हेरोन ड्रोन जो भारत को इसराइल ने दिए थे, और क्योंकि इसराइल के आसपास हैं बहुत शत्रु हैं, गाजा पट्टी जो संगठन है जहाँ पे हमास है, हमास आतंकी संगठन रुका हुआ, ठीक है ना, हमास का इसराइल पर बार बार जो अटैक करता है, इसलिए इसराइल लेने के नई पीएम कौन है, नेफ्ताली बेनेट। और जो AIRO-3 एंटी जो बैलिस्टिक मिसाइल का जो डिफेंस सिस्टम है, ये इसराइल से लॉन्च किया है, ये जो है हमास संगठन का गाजी पट्टी से पर पाया जाता है, हमास संगठन जो है। नेक्स्ट हमारा इसराइल के जो भूमध्य सागर से सीमा बनाता है। नेक्स्ट हमारा आंध्र प्रदेश, देखते हैं आंध्र प्रदेश को, फर्स्ट स्टेट है भाषा के आधार पर अलग होने वाला, 2 जून को ये अलग बनाता, 2014 को तेलंगाना से। आंध्र जो आंध्र प्रदेश है
इसमें 13 डिस्ट्रिक्ट है और इन 13 डिस्ट्रिक्टों में एक एक और अलग अलग टूट जाए स्प्लिट हो जाएगा, तो स्प्लिट होकर ये जो टोटल 26 हो जाएंगे जब एक एक में टूट जाएगा। इसके मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी हैं और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्रन है। स्मार्ट पॉलिसी जो इंडेक्स जो फर्स्ट रैंक आंध्र प्रदेश की है और जो वन और वृक्ष में सर्वाधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश में हुई है और एक सबसे विकसित क्षेत्र जो आंध्र प्रदेश इससे अलग हुआ था तेलंगाना, उसके बाद भी इसने अच्छी ग्रो करी है। जो जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना आंध्र प्रदेश में हुई और मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए जिस सस्ती कीमत पर भूखंड उपलब्ध कराना है इसका। 17वीं रिपोर्ट के अनुसार 2021 में सर्वाधिक वन में वृद्धि आंध्र प्रदेश में हुई, न्यूनतम सबसे कम है हरियाणा में हुई, दिल्ली से लगा हुआ है जो और फिर इतने यहाँ पे। कलिंग रत्न सम्मान जो है विश्वभूषण हरिचंद्रन को दिया गया जो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है और कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश का है, क्लासिकल डांस है यहाँ का। भारत ने अपनी जो पहली और एशिया की सबसे बड़ी जो एशिया का जो वैज्ञानिक एटलस वर्ल्ड का साइंटिफिक एटलस वर्ल्ड जो जारी किया, ये केरल ने जारी किया, पहला है भारत का पहला जो विस्तार जो एशिया के सबसे बड़ा 2015 और 2020 के बीच में आंकड़े जितने 361 जो पक्षियों की प्रजातियों के ऊपर किया है। केवल का जो इसमें रेड बुक डाटा जो है ICUN जारी करता है, ICUN का मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन एंड नेचर्स, देखो इस तरह का दिखाया गया है फॉर द बर्ड्स। नेक्स्ट हमारा पक्षियों के लिए अभ्यारण्य, जो पक्षियों का अध्ययन करता है वो ऑर्निलोजी कहलाता है। बर्ड्स मैन ऑफ इंडिया सलीम अली उन्हीं स्थली जो जहाँ पे ये इन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं वो केवलादेव जो नेशनल पार्क्स है ये भरतपुर राजस्थान में है। जैसे ये एंट्री करोगे इधर से तो मथुरा के बाद ये भरतपुर पड़ जाएगा। को जो अब ये जो केवलादेव को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था 1985 में। जो चिल्का झील उड़ीसा को चिल्का झील से पक्षी अभ्यारण्य ये इसका जो नाम है नलबाना पक्षी अभ्यारण कर दिया गया। वर्तमान में भारत में कितनी धरोहर है, 40 धरोहर है, उसमें टेंजेबल और नॉन टेंजेबल भी है और जो मिक्स है वो कंचनजंगा है जो वर्ल्ड में सिर्फ एक ही है। पेड़ पौधों का जो भोजन स्टार्च के रूप में होता है, जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में होता है, रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है, किडनी की जो यूनिट होती है नेफ्रोन होती है, जो स्टोन होता है ना उसको कैल्शियम ऑक्सीलेट कहते हैं, जो रॉकेट जो उड़ता है वो जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है एवरी एक्शन हैव द रिएक्शंस न्यूटन थर्ड लॉ। यूरोसिल आरएनए मिलता है, डीएनए को थायमिन से मिलता है, जो चार्ज में मिलते हैं डीएनए में और चार्ज जो आरएनए में नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। डीएनए नाइट्रोजन जो न्यूक्लियोटाइड्स का जो बहुलक है, ये ध्वनि तरंग जो अनुदैर्ध्य है प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, रेफ्रिजरेटर में CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन बोलते हैं इसको, इस पर रोक लगाने के लिए 1997 में क्या हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। क्योटो कहाँ है, जापान में है। मानव शरीर में पुनर्निर्माण के लिए रीजनरेशन की जो ये ब्रेन का जनरेशन नहीं होता, जैसे कोई भी है देखा होगा तुमने बच्चे खेलते रहते हैं तो खेलते खेलते देखा होगा ना कभी कभी छिपकली गिर जाती है वैसे तो पीछे उसको उसकी पूंछ कट जाए तो वो दोबारा से आ जाती है, तो उसको बोलते हैं रीजनरेशन। और लीवर है, लीवर जो लीवर ट्रांसप्लांट होता है, जैसे देखोगे कभी बहुत सारे में लीवर उसमें छल्ले डाले गए तो या वैसे वो छल्ले जो डाले जाते हैं ना वाल्व, जैसे मान लिया कि हार्ट फेल हो गया, हार्ट कुछ प्रॉब्लम हो गया, मैंने बताया था ना जो वैलेंटाइन होता है ना, वैलेंटाइन जो उसको बोलते हैं सुअर को मेडिकल जो सुअर के जो हार्ट होता है जो भी देखे ना चौदह उसमें आ रहा है 14 फरवरी आ रहा है तो वैलेंटाइन डे करते हैं, तो उसी शेप का बना होता है हेड जो सुअर का होता है इसलिए वैलेंटाइन कहते हैं। और उसमें छल्ले जो होते हैं ना, छल्ले जो डलते हैं जिसको प्रॉब्लम होती है तो सुअर के ही डलते हैं, इसको पिंग बोलते हैं। छिपकली की जो पूंछ में जो आ जाती है, मैंने बताई दीजिए लीवर सर्वाधिक मैक्सिमम होता है लीवर का जो ट्रांसप्लांट। नेक्स्ट हमारा लोग लखनऊ जो सुपर जेंट्स जो IPL की जो टीम बन रखी गई है इसके जो कप्तान है KL राहुल को बनाया गया है। ये जो केरल और वो लखनऊ और अहमदाबाद की दो टीमें नहीं आई हैं IPL में। IPL में 10 टीमें खेलेंगे, इससे पहले 8 खेलती थी और जो IPL की जो स्पॉन्सरशिप भी टाटा को दे दी गई है टाटा। IPL की सबसे जो महंगी टीम है ये बनाई गई यही है लखनऊ की, इसके जो ओनर है हमारे राजीव गोयनका जी हैं, इन्होंने 7090 करोड़ रुपए में इसको खरीदा है। अब देखते हैं हमारा
इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी को समझते हैं भाई क्या है ये, क्या है इंडियन आर्मी। AK-23 जो INS, ये जो हमारे आर्म्स है इसके बारे में देखते हैं। AK-203 था असॉल्ट राइफल्स, देखो ये AK-203 है जो INS सेस है, तो इसके बारे में समझते हैं क्या है, क्या मॉडर्न है, क्या इसकी किस तरह से डिफरेंट है इससे और क्या हुई है इसकी डीलिंग हुई है। अब ये अहमदाबाद ने इसको खरीदा था इसने, असॉल्ट जो कंपनी है ये हमारी, असॉल्ट जो राइफल्स हैं AK-203 असॉल्ट राइफल्स को जो है रशिया से 70,000 में जो खरीदा था, 70,000 जो राइफल्स को खरीदा है इसने इंडिया ने, ठीक है। देखो ये जो AK-203 दुनिया की सबसे दमदार असॉल्ट राइफल्स जो रशिया ने बनाया था, ये भारतीय जो सशस्त्र बल है ना जितने भी है मेरे उनके लिए 6,70,000 राइफल्स का ऑर्डर दिया गया था। अब 6 लाख में से 70,000 तो इसने दे दी डिलीवरी, और 6 लाख को जो 6 लाख को बोल दे कि हम यहीं पे बनवाएंगे, वो यहीं पे भारत और जो क्लाविस के जो निर्माण जो है ना जो ये उसकी इकाई है, रूस की इकाई है, ये बीच में जो ये 6 दिसंबर 2021 को डील हुई थी। अब जो बाकी जो 6 लाख है ना वो यहीं बनेंगे, 6 लाख जो AK-47 2003 जो असॉल्ट जो राइफल्स का निर्माण होगा ना वो इंडो रूस राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से होगा, IRPL जो ये है जो कोरवा राइफल्स फैक्ट्री अमेठी में जो स्टेब्लिश की है ये यूपी में उसमें होगा। INS जो इंडियन स्माइल्स जो ये है देखो देख सकते हो ये 203। नेक्स्ट हमारा वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड कौन कौन से है, जो सबसे जो फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड कौन, एक तो टिकटॉक है भाई, देखो इंडिया में बैन हो गया तब भी इतना ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा, बहुत ज्यादा तेज बढ़ रहा है। अगर ये ना होता है, इंडिया की जो पॉपुलेशन सबसे हाईएस्ट एक तरह से हाईएस्ट ही अब आजकल चाइना के बाद, तो अभी के अभी अभी दूसरा वो नहीं हुआ है नहीं जो सेंसस, अगर उसका सेंसस हो जाता है तो उसके बाद तो हो जाना फिर जो इसको पिछाड़ी देना, तो उसके बाद बावजूद ये जो टिकटॉक इतना फेमस हुआ तो बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। सेकंड पे भी चैट है, वर्ल्ड द मोस्टेस्ट वैल्यूएबल्स कंपनी जो ब्रांड फाइनेंस 2000 के अनुसार जो मूल्यवान कंपनी है उसमें फर्स्ट पे एप्पल, सेकंड पे अमेजोन, फिर गूगल्स, माइक्रोसॉफ्ट 4 पे, वॉलमार्ट 5 पे, सैमसंग है जो 6 पे, जो FB से फेसबुक है वो 7 पे है, ICB 8 पे है, 9 पे हवाई है और 10 पे वर्जन है। भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन जो है इसमें जो ये जानना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टाटा समूह का है, जो टाटा समूह है एशिया में ही है, ये भारत में नहीं एशिया में भी फर्स्ट पे है मूल्यवान सबसे ऊपर है। अच्छा ये इसमें इसकी जो जो 100 में ये किया गया था, 100 में से कंपनीज में से इसकी जो रैंक है जो टाटा की वो 78 है, इसकी जो वैल्यू है 23.9 जो मिलियन डॉलर है। अब देखो ये इस तरह से ये है, इसमें दिखाया भी गया है, देख भी सकते हो द वर्ल्ड टॉप वैल्यूएबल ब्रांड्स कौन कौन से हैं, ये हो गया इसकी जो जो मार्केट वैल्यू है ये जो 355.1 मिलियन, और देखो इससे बहुत ही बिल्कुल नजदीक ये बिल्कुल ये हो सकता है सुपोज भी करते हैं अमेजोन एप्पल को, ध्यान रखना भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। और देखो बाकी गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, वॉलमार्ट, सैमसंग, फेसबुक, ICB, हवाई और वर्जिन, ये सब हो गए। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, यदि कोई आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो है ना इसको जो आपकी जो क्लास है ना इसको एक एक चीज को जैसे जैसे है उसको नोट डाउन करते हुए चलें तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा और आप दूसरे से डिफरेंट हो जाएंगे पक्का, ये बिल्कुल मेरा एक तरह से विश्वास है। आप 2 या 3 दिन करके देख लो, आपको अपने आप में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे पक्का। तो बाकी आपकी मर्जी भाई, देखो नेट भी आपका, फोन भी आपका, टाइम भी आपका, टाइम निकाल के करो और जैसे आपकी बताओ कि भाई मेरे को इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए।